दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर झाड़ू लगा दिया है। कुल पड़े मतों का 50% से ज्यादा हिस्सा हासिल कर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली का ताज पहनेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक ही आम आदमी पार्टी बंपर बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि का फायदा भी आपको मिला। जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी की छवि है, वैसे ही आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की छवि पेश की। उन पर भ्रष्टाचार के कोई बड़े आरोप नहीं है, जो थे वे साबित नहीं हो पाए। आम लोगों तक उनकी आसान पहुंच ने भी आपकी लोकप्रियता बनाई रखी। उन्होंने मैनिफेस्टो में जो बड़े वादे किए हैं, उन पर दिल्ली ने भरोसा जताया। शीला दीक्षित से भी उनकी तुलना की जा सकती है। जिस तरह शीला दीक्षित ने स्थानीय विकास के मुद्दे पर 3 बार सत्ता हासिल की, उसी तर्ज पर केजरीवाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं था। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2014 से 2018 के बीच बीजेपी ने कई बार विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन 2018 से ये ट्रेंड बदल गया है। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को टफ फाइट दी। राजस्थान मध्य प्रदेश में पार्टी को शिकस्त मिली। स्थानीय नेतृत्व को उभारने और प्रमुखता देने के बदले मोदी पर निर्भरता ने बीजेपी का नुकसान किया है।